दोस्तों, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट। ये किसी बिल्डर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट है, ग्लैमर इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट है, ये ग्लैमर इंडस्ट्री का अग्रीमेंट है। इसमें बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं वो नहीं फंसते हैं, इसमें जो वेल नोन एक्टर्स हैं शायद वो इसमें ऐसे अग्रीमेंट्स में फंसते नहीं है, ऐसे मेरा मानना है। हालांकि कुछ लोग जैसे कि शायद सुशांत सिंह राजपूत ऐसे अग्रीमेंट्स में फंस भी जाते होंगे, लेकिन छोटे छोटे जो स्ट्रगलर्स होते हैं, जो आम लोग होते हैं, जिनको ग्लैमर इंडस्ट्री में घुसना होता है, जिनके पास कोई टैलेंट होता है गाना बजाना, मॉडलिंग करना या फिर एक्टिंग करना, वो टैलेंट्स के जरिए ऐसे अग्रीमेंट में फंस जाते हैं। बेसिकली गुलामी क्या है? गुलाम को आप कुछ भी कहो वो करेगा। अगर कहोगे जूते साफ कर, वो करेगा। अगर कहेंगे कि जाओ उसके बेडरूम में जा और उसको जो अय्याशी करनी है तेरे साथ कर लेने दे, तो वो चुपचाप जाएगा। अगर आप कहोगे नाचो तो नाचेगा, अगर आप कहोगे गाओ तो गाएगा। अगर आप उससे कहोगे मैं चाहूं तो तुम्हें 1,00,000 रुपया दे सकता हूं नाचने के, मैं चाहूं तो तुम्हें 10 रुपया दे सकता हूं नाचने के, मैं चाहूं तो तुमको फ्री में नचवा सकता हूं, ये है गुलामी। तो दोस्तों, अब समझो गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट, टैलेंट अग्रीमेंट। टैलेंट है, लुक्स है, पर्सनालिटी है, इसे टैलेंट एग्रीमेंट से बांध सकते हैं। ऐसा एक अग्रीमेंट है टैलेंट को ही नहीं बांधता है बल्कि इंसान को बांध देता है, उसको गुलाम बना देता है, स्लेव बना देता है। स्पेशली जो स्ट्रगलर्स होते हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ग्लैमर इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, उनको किस तरह से फंसाया जाता है, उनका किस तरह से शोषण होता है, अग्रीमेंट के माध्यम से उन्हें किस तरह से बांधा जाता है, कसकर बांधा जाता है, इतना जोर से कस के बांधा जाता है कि वो सांस नहीं ले सकते, वो जी नहीं सकते, और कभी कभी उनके सामने खुदकुशी के सिवा कोई विकल्प रहता नहीं है। मैं इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आपको समझाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो टैलेंट अग्रीमेंट है, इसके अंदर जो कंपनी का नाम लिखा गया है वो मैंने जानबूझ के बदल दिया है। तो कंपनी का नाम पीके टैलेंट्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, और मैंने इसलिए बदला है क्योंकि मैं कंक्लूसिवली प्रूव नहीं कर सकता हूं कि जो कंपनी है वो सचमुच ऐसे कर रही है। जब मैं ये सब प्रूव कर सकूंगा ना, तो कंपनी का नाम भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास एविडेंसेस नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ कंपनी का नाम बदल के कॉन्ट्रैक्ट समझा रहा हूं, ताकि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से बचें। ये कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये आपको कंफ्यूज कर देता है, आपको यानी कि टैलेंट को, स्ट्रगलर को कंफ्यूज कर देता है। स्ट्रगलर को ये समझ में नहीं आता है कि उसका एजेंसी के साथ रिश्ता क्या है, क्या ये लोग मेरे एम्प्लॉयर्स हैं, क्या ये लोग मेरे मास्टर्स हैं, या ये लोग मुझे मैनेजमेंट सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। मान लो कि ये जो टैलेंट है, जिसे हम टैलेंट कह रहे हैं, वो एक स्ट्रगलर है, वो हीरो बनना चाहता है, वो करियर बनाना चाहता है, ही इज गॉट जेन्युइन टैलेंट्स। अब ये टैलेंट्स को वो हार्नेस करके एक करियर बनाना चाहता है, अपने लिए एक लाइफ बनाना चाहता है और लाइवलीहुड कमाना चाहता है। तो वो कहता है कि मैं किसी तरह से दुनिया के सामने आऊं, मुझे दुनिया के सामने उभर कर आना है, मुझे सामने दिखना है। कैसे दिखूंगा अगर मैं अकेला आदमी हूं, मुझे कोई बड़ी पार्टी रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, मैं कैसे आगे आ पाऊंगा, कैसे सामने जा पाऊंगा दुनिया के रंगमंच के सामने, हाउ विल आई बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ परफॉर्मर, एज अ टैलेंट। तो उसके मन में ये सारे सवाल है। दोस्तों, ये जो टैलेंट अग्रीमेंट है वो स्ट्रगलर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए लिखा गया एक टैलेंट अग्रीमेंट है। वो ऐसी चीज है जो स्ट्रगलर को गुलाम बना के रख देगा, प्रोस्टिट्यूट बना के रख देगा, रंडी बना के रख देगा, ऐसा जबरदस्त गुलामी करवाएगा कि तुम जो चाहो उससे करवा के ले लो। एज फॉर द रेट्स, वो रेट्स कंपनी तय करेगी।
रेट कंपनी तय करेगी. टैलेंट हैज नो से इन द मैटर ऑफ हिज ओन फीस, इन द मैटर ऑफ हिज ओन असाइनमेंट चार्जेस. अगर टैलेंट कहता है कि मैं सिर्फ हीरो बनना चाहता हूं, मैं एक्स्ट्रा की तरह काम नहीं करूंगा, तो ये उसका हक है. करियर को किस तरह से मैनेज करना, ये एक राइट है टैलेंट का. लेकिन टैलेंट एजेंसी चाहे तो उसको एक्स्ट्रा डांसर या बैकअप डांसर कह के भी नचवा सकती है. इस इंसान को जिसे हम टैलेंट कह रहे हैं, उसे ये काम करना होगा, और अगर नहीं करेगा तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा, उसका करियर खत्म हो सकता है. इस तरह से डराया जा रहा है. अग्रीमेंट के अंदर कुछ ऐसे ऐसे क्लॉजेस हैं जो पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं कि हु इज इन चार्ज हियर. ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने भेजा जो खुद इस इंडस्ट्री में फंस गई और शायद उसमें उतनी क्षमता नहीं है कि वो लड़ सके. लड़ेगी, हाथ पैर मारेगी, तो उसका जो करियर है वो खत्म हो जाएगा. हम तो इसे गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सचमुच एक कॉन्ट्रैक्ट है भी? क्या ये लीगल है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, ये इलीगल है. ये लीगली इलीगल है. इसको चलाने वाले जो किंग पिंस हैं, ये टाइप के अग्रीमेंट करने वाले जो किंग पिंस हैं, उनके हाथों में इनके पैसे चले जाते हैं और इनको डर लगता है कि इसमें से मैं अगर निकलूंगी तो मुझे कोई करियर ही नहीं मिलेगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा. दोस्तों, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात हमें ये याद रखना होता है कि यहाँ पर मालिक कौन है और नौकर कौन है, या फिर प्रिंसिपल कौन है और एजेंट कौन है. आप अगर टैलेंट हो तो आप इस टैलेंट एजेंसी को अपॉइंट करोगे मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए. आप ये समझ के उन्हें अपॉइंट करते हो कि आप मालिक हो. लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है. उस तरह से आपसे काम लेते हैं, आपसे काम करवाते हैं, जैसे कि आप उनकी नौकरी में बंधे हुए हो. क्या आप पीके टैलेंट्स को एजेंट के तरीके से अपॉइंट कर रहे हो तो आप उसके प्रिंसिपल हो गए. आप उसे अपॉइंट करते हो. अपॉइंटिंग का जो पावर है वो आपका है. या फिर इसका उल्टा अगर किया जाए तो इस तरह से हो सकता है कि ये जो टैलेंट एजेंसी है वो आपको सिलेक्ट कर रही है, और सिलेक्ट करके वो मालिक है और आप उसके लिए काम करते हो. दोनों ठीक है. आप अगर प्रिंसिपल हो और वो अगर एजेंसी है तो ठीक है. लीगली बहुत सारी चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है, और बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एक एजेंट का जो होता है वो बन जाता है. लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है. यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है. पूरा जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है, ये एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कह के जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है, ये पूरा कंफ्यूज करने के लिए ही बनाया गया. किस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं टैलेंट के अंदर, यानी कि आपके अंदर. क्लॉज सी कहता है कि द टैलेंट हियर बाय अपॉइंट्स एंड एम्पावर्स पीके टैलेंट्स ओपीसी लिमिटेड टू परफॉर्म द मैनेजिंग सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर मॉडलिंग एक्सक्लूसिवली एंड ऑन बिहाफ ऑफ द टैलेंट एज पर द ड्यूरेशन ऑफ द अग्रीमेंट एंड परस्यूएंट टू द सेम ऑथोराइजेस पीके टैलेंट्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड टू नेगोशिएट एंड कंक्लूड एंगेजमेंट अग्रीमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द टैलेंट थ्रू आउट द टेरिटरी. अब याद रखिए, आप ऑथोराइज कर रहे हो पीके टैलेंट्स को. वो आपका एजेंट है और आपने उसे सिलेक्ट किया है और आपने उसे ऑथोराइज किया है. आपने उसे अथॉरिटी दिया है. आप उसके अथॉरिटी वापस ले सकते हो. ऐसे होना चाहिए. ऐसे होता है अगर अग्रीमेंट ठीक है. लेकिन ये जो ड्राफ्ट मैं पढ़ रहा हूँ, ये अग्रीमेंट ठीक नहीं है. ये एक क्रिमिनल अग्रीमेंट है. तो इसमें क्या हम देखते हैं कि आपने उन्हें एम्पावर किया और अपॉइंटमेंट जरूर किया, लेकिन अब आप उनकी अथॉरिटी ले नहीं सकते हो, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. आपका पूरा करियर ठप हो जाएगा. अब आपको निकालने की जो अथॉरिटी है वो उनकी है. उनके पास है अथॉरिटी एंड पावर. यानी ये ऐसे हो जाता है कि आप एक मूर्ति को देखकर मूर्ति में भगवान देखते हो और कहते हो कि अब मैं इसकी पूजा करूंगा. लेकिन जब आप मूर्ति को भगवान मान के बैठते हो, उस मूर्ति के पास पावर है आपको शापित करने के लिए, आपको कर्ज करने के लिए,
नुकसान पहुंचाने के लिए। यहां पर एक अब्यूजिव रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है। आपको डिफाइन किया जा रहा है, द टैलेंट इज अ पर्सन हु रेंडर सर्विसेज एज अ प्रोफेशनल मॉडल एंड अप्रोच्ड पीके टैलेंट्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड टू हैंडल हिज और हर वर्क एज एन एक्सक्लूसिव कंपनी फॉर मॉडलिंग ओनली विच इंक्लूड्स कैटलॉग ई कॉमर्स कैंपेन्स एटसेट्रा। किसने किसको अप्रोच किया ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पावर किसके हाथों में है ये इसमें से दिखता है। टैलेंट ने इस एजेंसी को, इस कंपनी को अप्रोच किया। अप्रोच किया का मतलब पावर किसके पास है, पीके टैलेंट्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के पास है। फिर यहाँ पे कहते हैं टैलेंट हियर बाय अपॉइंट्स एंड एम्पावर्स पीके टैलेंट्स टू परफॉर्म मैनेजमेंट सर्विसेस। टैलेंट ने ऑथोराइज किया है टू नेगोशिएट एंड कंक्लूड एंगेजमेंट अग्रीमेंट्स। अब टैलेंट ने अगर ऑथोराइज किया है तो टैलेंट के पास ये भी पावर रहना चाहिए कि वो उसको दरखास्त कर सकता है, उसको अग्रीमेंट में से, कॉन्ट्रैक्ट में से निकाल सकता है। लेकिन अब देखिए क्या होता है। इफ द टैलेंट वॉन्ट्स टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, अ प्रायर नोटिस ऑफ 30 to 45 days शैल बी गिवन बाय द टैलेंट इन रिटन एंड द मैनेजमेंट शैल डिसाइड ऑन द सेम आफ्टर डिस्कशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, टैलेंट कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता है क्योंकि वो कह रहे हैं ये मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन, मतलब ऑब्वियसली पीके टैलेंट्स। तो मैनेजमेंट शैल डिसाइड ऑन द सेम आफ्टर डिस्कशन। मैनेजमेंट अब डिसाइड करेगा। इफ द टैलेंट डज नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स, द टैलेंट शैल इंटीमेट द एजेंसी थ्रू अ रिटन ईमेल फेलिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूज ऑटोमेटिकली। द कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूज ऑटोमेटिकली का मतलब क्या हुआ कि डिफॉल्ट पोजिशन बन गया है कि टैलेंट एजेंसी को नहीं निकाल सकता है। एजेंसी टैलेंट को निकाल सकती है लेकिन टैलेंट एजेंसी को नहीं निकाल सकता है। डिफॉल्ट पोजीशन ये है कि टैलेंट बंधा हुआ है, वो गुलाम बन गया है, वो स्लेव है। इसके बाद एक और क्लॉज पढ़ते हैं, ये फुल कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। पीके टैलेंट्स एंगेजेस द टैलेंट एंड द टैलेंट अंडरटेक्स टू परफॉर्म ऑल हिज और हर ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस इन रिलेशन टू द असाइनमेंट ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस कंटेन्ड इन दिस अग्रीमेंट। पीके टैलेंट्स एंगेजेस द टैलेंट, ये कैसे हो गया? टैलेंट ने पीके टैलेंट्स को मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए रखा था, अब पीके टैलेंट्स एंगेजेस द टैलेंट, पीके टैलेंट का नौकर बन गया, तो ये बड़ी अजीब बात है। फिर एक और कह रहे हैं, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड इन दिस अग्रीमेंट शैल बी एप्लीकेबल एंड रिमेन एप्लीकेबल इन केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दिस अग्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आप अगर अग्रीमेंट को चालू रखना चाहते हो लेकिन रीनेगोशिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर रीनेगोशिएशन की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो चुकी है। रीनेगोशिएट क्या होता है कि आप दोबारा तय करोगे कि आपके ड्यूटीज क्या हैं और ये एजेंसी के ड्यूटीज क्या हैं। यहाँ पर क्लियर कट कह दिया है कि कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा, जो भी इस अग्रीमेंट में लिखा गया है वही होने वाला है, इसके सिवा कुछ भी नहीं होगा, यानी आप रीनेगोशिएट नहीं कर सकते हो। हाउएवर इट इज क्लैरिफाइड दैट फॉर एक्सटेंशन ऑफ दिस अग्रीमेंट द डेट्स ऑफ एक्सटेंशन विल बी म्यूचुअली डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट पीके टैलेंट्स रिजर्व्स द राइट टू टेक द फाइनल डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ दिस अग्रीमेंट। मतलब अग्रीमेंट चालू रखना कि नहीं ये उनके हाथों में है, आपके हाथों में नहीं है। दोस्तों ये जो अग्रीमेंट है, पहली बात है कि ये अग्रीमेंट है ही नहीं। अग्रीमेंट दो इक्वल पार्टीज के बीच में होता है, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं दिख रहा है, भर भर के इनइक्वालिटी दिख रहा है। और इनइक्वालिटी इस तरह का है कि सारे जो पावर्स हैं वो इस कंपनी के पास हैं और सारे जो ड्यूटीज हैं वो आपके पास हैं, यानी कि टैलेंट के पास है। ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टैलेंट के पास, पावर्स राइट्स अथॉरिटीज कंपनी के पास। ये कैसे हो सकता है? तो ये अग्रीमेंट तो हो ही नहीं सकता है। अब हो क्या सकता है? तो हो ये सकता है कि अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर अगर ये होता, या तो टैलेंट यानी कि परफॉर्मर इस कंपनी को अपॉइंट करता फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज, या फिर कंपनी इस टैलेंट को अपॉइंट करते फॉर सर्विसेज एज अ परफॉर्मर, दोनों पॉसिबल है। लेकिन ये जो अग्रीमेंट है ये ना इधर का है ना उधर का है, ये अग्रीमेंट करके फुल ऑन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि टैलेंट के पास ना एक एम्प्लॉय का हक है
और न एक एम्प्लॉयर का हक है। कंपनी के पास एम्प्लॉयी का भी हक है और एम्प्लॉयर का भी हक है। आप अगर एक एजेंसी को अपॉइंट करते हो तो उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं, एजेंसी के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाते हैं, और आपने एक प्रिंसिपल के तौर से एजेंसी को अपॉइंट किया है तो आपके पास कुछ पावर्स आ जाते हैं। लेकिन ये अग्रीमेंट जो है ये इस तरह से लिखा गया है कि आपके पास कोई पावर्स नहीं है, कोई भी पावर्स नहीं है, और उनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गए इस अग्रीमेंट के जरिए, और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यानी आपके सामने ड्यूटी ही ड्यूटी है, ड्यूटी करने के सिवा कुछ बचता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी करना है। आपके हक कोई हक नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई राइट नहीं है, इसमें से निकलने का राइट वो भी नहीं है, इसमें से उनको निकालने का राइट वो भी नहीं है, और अगर आपने ये गलती कर दी कि उनको निकालोगे या उनसे लड़ोगे तो मुसीबतों का पहाड़ आपके सर पे टूट पड़ेगा, आपके पैसे चले जाएंगे, आपके बहुत बड़े लॉसेस हो जाएंगे। इस तरह से लिखा गया है इस कॉन्ट्रैक्ट में, और इसमें कह रहे हैं notwithstanding anything contained in this clause or anywhere in this agreement, PK Talents OPC Private Limited shall have the sole and absolute authority to take final decisions on all matters concerning the professional career of talent during this agreement, including decisions in relation to the management services. Management services के लिए आपने इस एजेंसी को रखा है, ऐसे इन्होंने पहले ही लाइन में कहा है, आपने उन्हें रखा है तो आप डिसाइड करोगे कौन से मैनेजमेंट सर्विसेज। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि नहीं, मैनेजमेंट सर्विसेज क्या होने चाहिए उसकी परिभाषा ये कंपनी डिसाइड करेगी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो उनके पास है। सोल एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू टेक फाइनल डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स आपने उनके हाथ में दे दिया। अच्छा, उसका टर्म क्या है? एक टर्म में खत्म हो सकता है, एग्रीमेंट का एक नेचुरल पीरियड होता है, एक साल दो साल, तो एक एम्बिगुअस आइटम भी इन्होंने रख दिया है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस अग्रीमेंट शैल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एंड 1 year लॉकिंग पीरियड। ये 2 years लॉकिंग पीरियड के साथ में है, इंक्लूडेड है, या लॉकिंग पीरियड को एक्सक्लूड करके है ये नहीं पता। ये भी नहीं पता कि पहला साल लॉकिंग पीरियड है या दूसरा साल लॉकिंग पीरियड है या तीसरा साल लॉकिंग पीरियड है या 3 साल है भी, ये भी हमको नहीं पता। तो ये लॉकिंग पीरियड क्या है उसको डिफाइन नहीं किया गया है, कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया ही नहीं गया। लॉकिंग पीरियड से आपके राइट्स क्या है, आपके ड्यूटीज क्या है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। लेकिन आपसे जो कहलवा रहे हैं वो आप देखिए, द टैलेंट अग्रीज एंड एक्नॉलेजेस दैट ड्यूरिंग द अग्रीमेंट द टैलेंट शैल नॉट नेगोशिएट और कंक्लूड एनी एंगेजमेंट अग्रीमेंट्स और अदर सिमिलर अरेंजमेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट शैल रेफर ऑल इंक्वायरीज फॉर एंगेजमेंट अग्रीमेंट्स फोर्थविथ टू PK Talents OPC Private Limited। मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये होता है, समझ लो कि किसी ने आपसे डायरेक्टली इंक्वायरी कर लिया, आप एक्टर हो या मॉडल हो या कंपेयर हो, स्टेज पे थे, कोई आपसे मिले, किसी ने आपको कार्ड दिया और कहा कि चलो मैं आपको एक फिल्म के लिए एंगेज करना चाहता हूँ, आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्या आप ये कर सकते हो? तो ये कहते हैं नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप इंक्वायरीज हमारे पास भेजोगे, PK Talents के पास। यानी अगर यश चोपड़ा या कोई बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर, यानी कि बहुत बड़ा कोई फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपको एम्प्लॉय करना चाहता है, आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, आपको कोई असाइनमेंट देना चाहता है, तो आप मना कर दोगे और कहोगे नहीं भाई मेरी टैलेंट एजेंसी से आप बात करिए, टैलेंट एजेंसी के पास चले जाओ, मतलब आपके पास कोई पावर ही नहीं रहा। और एक बार कह रहे हैं क्लियरली, टैलेंट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट हिज और हर सर्विसेज डायरेक्टली और थ्रू अदर क्लाइंट और एनी एजेंट और थ्रू अदर थर्ड पार्टी एडवाइजर अदर देन PK Talents OPC प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग दिस अग्रीमेंट। ऑल्टरनेटिवली द कंपनी रिजर्व्स द राइट्स टू फॉर्मुलेट द टर्म्स फाइनेंशियल और अदरवाइज टर्मिनेट दिस अग्रीमेंट फॉर सच असाइनमेंट्स। ये जो टैलेंट एजेंसी है वो डिसाइड करेगा कि इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होने चाहिए। आप अगर किसी और के लिए काम करते हो तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर काम करोगे? इस अग्रीमेंट का सबसे बड़ा किस तरह से नुकसान हो सकता है इसका मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ, सुनिए और समझ लीजिए। एक छोटी सी एक्ट्रेस है, वो एक्ट्रेस ने थोड़े सब्सटेंशियल रोल्स किए हैं लेकिन उसे रोल्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो सोचती है कि चलो क्यों ना इनका हेल्प ले लिया जाए, ये PK Talents से मैं मैनेजमेंट सर्विसेज करवा लूंगी,
ये लोग प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को अप्रोच करेंगे और मेरे तरफ से ये लोग पेश करेंगे, मेरे वीडियोस दिखाएंगे, मेरे शूट्स दिखाएंगे, मेरे मॉडलिंग शूट्स या जो भी हैं वो सारे उनको दिखाएंगे, मेरे लिए काम लेके आएंगे, ये समझ के ये एक्ट्रेस इनको अपॉइंट करती है, अग्रीमेंट साइन कर लेती है। उसके बाद ये जो कंपनी है ये कहती है आपको दुबई जाना होगा, दुबई जाकर इस होटल में रहना होगा, इस प्रोड्यूसर के सामने नाचना होगा ताकि उसको समझ में आए कि आपका डांसिंग टैलेंट क्या है। ये कास्टिंग कॉल है और ये मुफ्त में करना होगा या फिर बहुत ही कम चार्जेस पे करना होगा। ये रहा आपका अग्रीमेंट जिसे हमने साइन किया है और आपसे पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। एक्ट्रेस वहां जाती हैं, परफॉर्मेंस देती हैं, डांस करती हैं। वहां पर उसको लगता है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाने वाला है, उसके साथ रेप होने वाला है, तो वो वहां से लौट कर आती हैं, काम छोड़ के लौट कर आती हैं। अब इंडिया में ये लोग उनसे चार्जेस मांगते हैं, कहते हैं आपने ये असाइनमेंट पूरा नहीं किया इसलिए आप हमें 5 लाख रुपया दोगे और आप हमें 50% ऑफ द असाइनमेंट फीस दोगे, आपने कंप्लीट नहीं किया। कंपनी का नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो ये भरपाई तो करना ही पड़ेगा और आप दोगे एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये लड़की तो रोने लगेगी, गिड़गिड़ाने लगेगी, शी विल बी हेल्पलेस। वो कहेंगे चलो माफ कर दिया लेकिन अगली बार ऐसे गलती मत करना, और वो उन्हें इस टाइप के और असाइनमेंट्स पे भेजना शुरू कर देते हैं। अब वो रिफ्यूज भी नहीं कर सकती है, कास्टिंग काउच करना पड़ता है, मतलब उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा, शी इज एट द मर्सी ऑफ दिस एजेंसी। अब वो इस अग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाहती हैं, तो ये कहते हैं नहीं हमने डिसाइड कर दिया है ये टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, और अगर टर्मिनेट करोगे तो आप हमें इतना पैसा दोगे। वो भी नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है। ये लोग उसे डराते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा पूरा जो करियर है वो बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें कोई काम नहीं देगा, हमने अगर तुम्हें टर्मिनेट कर दिया, तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो कोई काम नहीं देगा, इसलिए तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, हम जैसे कहते हैं, जिन टर्म्स पे कहते हैं आपको करना ही पड़ेगा। ये लड़की को एक प्रोड्यूसर अपॉर्चुनिटी देने को तैयार है इस एजेंसी से बाहर, उसे अच्छे अपॉर्चुनिटीज देने को तैयार है, लेकिन ये प्रोड्यूसर का काम वो डायरेक्टली नहीं ले सकती है, मजबूरन एजेंसी के पास रेफर करना पड़ता है। अब ये एजेंसी मना कर देती है, कहती है नहीं नहीं आप ये काम नहीं करोगे, हमने आपके आए हुए मौके को ठुकरा दिया है, वी हैव रिजेक्टेड द ऑफर ऑफ दैट प्रोड्यूसर, आप उस फिल्म में काम नहीं करोगे। इट मे हैव बीन द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, लेकिन शी इज हेल्पलेस। तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर देता है टैलेंट अग्रीमेंट। ऐसे अग्रीमेंट को इलीगल होना चाहिए, गैर कानूनी होना चाहिए, गैर कानूनी ऐलान कर दिया जाना चाहिए, लेकिन जब तक हमारी सरकार जागती नहीं है, जब तक हमारे कोर्ट्स जागते नहीं है, लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए रहते हैं और उनका शोषण होते रहता है, चाहे वो यौन शोषण हो, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, या फिर किसी और तरीके का शोषण हो, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन हो। दोस्तों, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले उसके दरवाजे खिड़की कहां पर हैं वो समझ लेना जरूरी होता है फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव। तो जब आप इस अग्रीमेंट को साइन करने जा रहे हो, कुछ सवाल पूछना जरूरी होता है कि व्हाट एम आई डूइंग हियर, मैं कौन हूं, मैं इस कंपनी के रिलेशन में कौन हूं। ये कंपनी कह रही है कि हम मैनेजमेंट सर्विसेस देते हैं, टैलेंट मैनेजमेंट सर्विसेस देते हैं, ये कंपनी मुझसे बहुत बड़ी है, मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड ग्लैमर एंड इवेंट्स, तो हो सकता है कि वो इवेंट्स को ज्यादा अच्छी तरह से समझती है, एंटरटेनमेंट ग्लैमर क्या होना चाहिए, किस तरह से एक टैलेंट को बिहेव करना चाहिए, किस रेट से एक टैलेंट को एंगेज किया जा सकता है, उसके साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ये सारी जो बातें हैं, संभव है कि कंपनी मुझसे ज्यादा यानी कि टैलेंट से ज्यादा समझती है। ये समझ के अगर आप उस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, यानी कि आप उसके एम्प्लॉई हो गए,
तो वो आपको सैलरी देते हैं। कुछ कंपनीज के ये ऐसे होते हैं कि दे डोंट वांट टू गिव यू ऑल द राइट्स ऑफ द एम्प्लॉई, एम्प्लॉई के सारे राइट्स नहीं देना चाहते हैं, तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं। फिर भी आप उस कंपनी के एम्प्लॉई हो, भले ही आपका जो अग्रीमेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप का है, लेकिन ये जो टैलेंट अग्रीमेंट है ये ऐसे नहीं कह रहा है। तो दूसरे टाइप का रिश्ता हो सकता है कि आप उनके लिए एक कंसल्टेंट हो, कंसल्टेंट की तरह काम करते हो, एक आउटसाइडर हो। आउटसाइडर कैन रेंडर सर्विसेस, वो सर्विसेस के रेट्स दिए जाते हैं आपको। आप उनको एक सर्विस या एक असाइनमेंट खत्म करके देते हो, एक जगह पे एक्टिंग करोगे, इसके आपको इतने पैसे मिलेंगे, असाइनमेंट चार्जेस। आपका एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप है। लेकिन इस केस में क्या है, क्या ये बात है? ये बात भी नहीं है। अच्छा, इसका उल्टा ये हो सकता है, आप कंपनी को एंगेज करते हो, आप प्रिंसिपल हो और कंपनी एजेंट है, कंपनी आपके लिए काम कर रहा है, यू हैव एंगेज्ड द सर्विसेज ऑफ अ कंपनी, कंपनी एक फी ले रही है जो प्री डिसाइडेड है। इज दिस द सिचुएशन? द आंसर इज नो, कंपनी इज नॉट एन एजेंसी रेंडरिंग सर्विसेज टू यू। अच्छा, नहीं तो ऐसे हो सकता है ऑल्टरनेटिवली कि कंपनी और आप दोनों इक्वल प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप रखते हो, आप और कंपनी कोलैबोरेट कर रहे हो इन म्यूचुअल बेनिफिट, आपको मिलेगा असाइनमेंट और फिर कंपनी उसमें से प्रॉफिट लेके जाएगा, और जब आप छोड़ना चाहोगे तो आप छोड़ देते हो। इज दिस द केस हियर? नो, दिस इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? वो आपको गुलाम बना रहे हैं। कैसे? मोडस ऑपरेंडी कुछ ऐसा है, आपको नुकसान होगा, एक्टर या परफॉर्मर या स्ट्रगलर को नुकसान होगा, और नुकसान करके उसको लॉस करवा के, उसका इमोशनल अपहरण करके, उसका फिजिकल और मेंटल और इमोशनल रेप करके, हर तरीके से एक्सप्लॉइट करके ये कंपनी अपना प्रॉफिट कमाना चाहती है, वो उसको स्लेव बनाना चाहती है। परफॉर्मर ने इन्हें अपॉइंट किया है टू परफॉर्म मैनेजमेंट सर्विसेस। व्हाट आर दोज मैनेजमेंट सर्विसेस? सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट सर्विसेस को कहीं भी डिफाइन किया ही नहीं गया है। मैनेजमेंट सर्विसेस का स्कोप क्या है डिफाइन नहीं किया गया है कहीं भी। पूरे अग्रीमेंट में आप देख लीजिए, मैनेजमेंट सर्विसेस मतलब क्या, कंपनी क्या करने जा रही है, कहीं भी डेफिनेशन नहीं है। मैनेजमेंट सर्विसेस को हम मेजर कैसे करेंगे, कहीं भी नहीं है, एक जगह पे भी नहीं है। मैनेजमेंट सर्विसेस इंक्लूड्स ए बी सी डी ई एफ जी दीज टास्क्स, ऐसे कहीं भी नहीं लिखा है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जब आप यानी कि टैलेंट परफॉर्मर साइन करते हो, आप एनफोर्स कैसे करोगे? आप एनफोर्स नहीं कर सकते हो, किसी भी सूरत में आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स ही नहीं कर सकोगे। Now it says, ये कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि यू ऑथराइज्ड पीके टैलेंट्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड टू नेगोशिएट एंड कंक्लूड एंगेजमेंट एग्रीमेंट्स ऑन योर बिहाफ थ्रू आउट द टेरिटरी। टेरिटरी को पहले देश का डेफिनेशन देते हैं और फिर फुल होल वर्ल्ड का भी डेफिनेशन दे देते हैं। वो चाहे तो देश, वो चाहे तो होल वर्ल्ड, वो चाहे तो सर आपका मुंबई में भी या आप जिस शहर में रहते हो उसमें भी आपको काम नहीं मिलेगा, वो परिस्थिति खड़ा कर सकते हैं ये लोग। आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हो तो सीधी नजर से मत देखिए, इसमें शैतानी दिमाग लगा के देखिए कि क्या लिखा है, इसका कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है, कैसे ये क्लॉजेस आपको फंसाने में काम आते हैं, या इनको इंटरप्रेट किया जा सकता है आपको फंसाने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको शोषण करने के लिए। जरूरी है कि आप जागरूक रहें और आप अपने हक, अपने अधिकार के लिए लड़ें, चाहे वो पब्लिक में हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो कोर्ट में हो, और चाहे पुलिस के पास जाना पड़े, आपको लड़ना पड़ेगा दोस्तों। आप अगर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट से आपका शोषण होते रहेगा।
तो दोस्तों ये एक टॉपिक जो है ये थोड़ा अलग था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट से बचकर रहेंगे। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।